हूँ। आज हम आपको बिरयानी मसाला शेयर कर रहे हैं आपसे बनाना। तो चले, लेमन है, इसमें हम साबुत धनिया डालेंगे पहले, उसके बाद सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे, क्योंकि ये दो चीज़ें ज़रा देर से होती हैं। और ये है 2 टेबलस्पून साबुत धनिया है और 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा है और 2 टेबलस्पून साबुत धनिया है, 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा है और 1 टीस्पून सौंफ है। और मैं फ्लेम ऑन कर ऑफ़ कर दूँ, फिर आपसे शेयर करती हूँ बाकी की चीज़ों में। तो ये देखें, 15-20 आलू बुखारे हैं ड्राई, इन्हें मैंने गीले कपड़े से साफ़ कर लिया, खुशक कर लिया। और ये एक कश्मीरी मिर्च है, ये तेज़पात हैं, ये भी इसमें हम डाल देंगे 3 से 4 अदद। ये लाल मिर्चें हैं 6-7 अदद। ये तेज़ मिर्च है, कश्मीरी मिर्च जो है वो तेज़ नहीं है। इसी तरह अब हम इसमें दालचीनी के टुकड़े 5-6 छोटे छोटे पीस डाले हैं मैंने, और ये 7 से 1, 2, 3, 6 बड़ी इलायची है और 1 टीस्पून भर के मैंने सब्ज़ इलायची ली है, 1 टीस्पून काली मिर्चें हैं, 7 से 8 लौंगे हैं, कटाई बादियान का फूल है छोटे छोटे 3 से 4 टुकड़े, ये जायफल है हाफ से भी हाफ, और ये फूल है जावत्री के, और इसके साथ ही ये 1 टीस्पून जितनी मेथी है। फ्लेम ऑफ है और हम ये, इसके अलावा हम इसमें डालेंगे सिट्रिक एसिड, नमक और जो भी अभी डालते हैं वो आपसे बाद में शेयर करेंगे। पहले ये जो कुछ साबुत मसाले हैं इनको हमने अच्छे से गर्म, देखें फ्लेम ऑफ है और इसको हम सेक रहे हैं, हमने भूनना नहीं है, बस इसको हल्का सा रोस्ट करना है ताकि जो सीलन है, मौसम भी आजकल ऐसे ही हुआ हुआ है, तो ये हम इसको इससे अच्छे से ये पिस जाएंगे। इतने हाथ बर्दाश्त कर रहा है, कोई ऐसी वो नहीं है कि भाई हमें कोई मसला है। ये देखें हाथ से भी मैं चला रही हूँ। चले अब इसे हम पीसते हैं, फिर आपसे शेयर करते हैं। अब इसमें मैं सिट्रिक एसिड डालूँगी, ये देखें 1/4 टीस्पून या 1 बड़ी चुटकी। नमक भी मैं इसी में ऐड कर देती हूँ ताकि कोई मसला ना, 1 टीस्पून। और ये मसाला जो है ये बन के बहुत ज़्यादा बन जाएगा। नमक इसलिए डाल दिया है कि इससे जल्दी से सिट्रिक एसिड भी मिक्स हो जाएगा और साथ ये पिस भी अच्छे से जल्दी से जाएगा। चलिए फिर मैं पीसती हूँ, दिखाती हूँ। और इसके साथ ही हम आलू बुखारे जो ये ड्राई हैं मैंने इन्हें गीले कपड़े से अच्छे से खुशक कर लिया है, और वही फ्राई पैन जो गर्म था उसी में मैंने इसको रख दिया था। तो बताएँ आपको ये कैसी लगी रेसिपी। ये है बिरयानी मसाला, आप इस तरीके से बनाएं और ये 4 से 5 किलो आराम से इसमें बिरयानी बनेगी। बेटा आप लोग टेबलस्पून नाप के बनाना अच्छा, और बाकी जो हरी मिर्चें हैं और जो बाकी हरा मसाला है उसके साथ इसको या किसी भी एक्स्ट्रा मिर्चें इसमें ऐड कर लेना, लेकिन ये बेहतरीन है। आप बताएं कि आपको ये कैसी लगी, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ थम्सअप करें, सब्सक्राइब करना ना भूला करें। तो ये है बिरयानी मसाला।